अब बहुत बार सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों को लगता है कि संघ ने अपनी आक्रामकता छोड़ दी है, तो इस पर भागवत जी क्या कह रहे हैं? जी, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और इस पर भागवत जी ने जो बातें कही हैं तो आपको 1 मिनट के लिए संकोच होने लगेगा। जब आप शुरुआत से उसको पढ़ना शुरू करेंगे उनके उत्तर को, तो लगेगा ये भागवत जी वही भागवत जी हैं क्या जो कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं? ये वही भागवत जी हैं क्या जो कहते हैं कि यहाँ पर जिस सब क्योंकि सबका डीएनए समान है, तो मतलब क्योंकि सब भाई हैं तो कोई अलग अलग नहीं है? तो जरा मैं उनकी पहले कुछ चीजें कोट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं विश्लेषण करूंगा उनका। तो कुछ बयान जो भागवत जी इस प्रश्न के उत्तर में कई चीजें कहते हैं, उनमें से कुछ चीजें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक चीज तो भागवत जी कहते हैं कि हिंदू समाज पिछले 1000 वर्षों से युद्ध में है, युद्ध में रत है। तो भाई सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हिंदू समाज पिछले 1000 साल से किसके साथ युद्ध में रत है? मतलब अगर भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं तो क्या हिंदू समाज हिंदुओं के साथ ही युद्ध में रत है क्या? फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है हिंदू समाज की, ये विदेशी लोग, विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्र, इन 3 चीजों से हिंदुओं की लड़ाई चल रही है। और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो भारत में आज लड़ाई चल रही है, अभी 1000 साल से तो चली आ रही थी, लेकिन आज जो लड़ाई चल रही है ये भारत के अंदर ही लड़ाई चल रही है। मतलब कोई हमारे ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं है, हमारे अंदर जो है एक तरीके से इंटरनल लड़ाई चल रही है, और इंटरनल लड़ाई किन लोगों की? विदेषी लोग, विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्र। तो भाई विदेशी लोग ये किनको कह रहे हैं? वही बात है कि वही फॉरेनर वर्सेस नेटिव वाली डिबेट में उलझा के फिर से इनको खुद को समझदारी नहीं है। मुझे तो लगता है इनको स्वयं ही समझदारी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये भ्रम फैलाएंगे, मुझे लगता है इनको स्वयं ही अभी समझदारी नहीं है नहीं, कि लेकिन जिनको ये पुष्कर जी विदेश। अगर आप देखेंगे तो जी इनके स्वयंसेवक मोदी जी इसी बात को उछाल रहे हैं। वो मुसलमानों में पसमांदा को देसी मुसलमान और अशरफ को विदेशी मुसलमान कह रहे हैं। कहीं भागवत जी इस संदर्भ में वही बात तो नहीं करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल हो सकता है, और इस बात को गहराई से तो भागवत जी समझते होंगे, लेकिन हो सकता है उन्होंने इधर इशारा किया हो। तो उनका कहना है विदेशी लोग, विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्र। तो बिल्कुल इस बात को पसमांदा की दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि आप जो समस्या का मूल है, जो समस्या की डॉक्ट्राइन है, जो विचारधारा है, उसको आप एकदम इग्नोर कर रहे हैं, उसको आप जाने दे रहे हैं, उसको आप सिर्फ एक पूजा पद्धति मानकर उसको साइड कर दे रहे हैं, और आप विदेशियों में और देशियों में, अशराफों में और पसमांदा में अंतर करके भ्रम फैला रहे हैं। फिर अगली बात भागवत जी कहते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की सुरक्षा का प्रश्न है, उसकी लड़ाई चल रही है। ये जो लड़ाई चल रही है जिसके भी ये बात कर रहे थे, बाहरी लोग, बाहरी प्रभाव, बाहरी षड्यंत्र, और ये जो भीतर खाने भारत में लड़ाई चल रही है, तो ये लड़ाई मतलब एक पार्टी तो हो गई बाहरी प्रभाव, बाहरी लोग और बाहरी बाहरी षड्यंत्र वाली, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी पार्टी है हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की सुरक्षा का प्रश्न है। अब मुझे ये बताइए कि हिंदू धर्म को, हिंदू समाज की सुरक्षा के प्रश्न को और हिंदू संस्कृति को किससे खतरा है? मतलब हिंदुओं से ही खतरा है क्या? ये जो बार बार कहते हैं कि सबका डीएनए सेम है, भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू और हैं, बिना इस्लाम के हिंदुत्व तो अधूरा है, जो इनके और डायलॉग बिना, होते हैं। हाँ, बिना इस्लाम के हिंदुत्व तो अधूरा है, तो भाई इस ये जो आपका उत्तर है, मतलब भागवत जी का जो उत्तर है, इससे क्या अर्थ निकाले जाए कि ये जो हिंदुओं की लड़ाई हिंदुओं से ही चल रही है, और हिंदुओं को ही हिंदू धर्म संस्कृति परंपरा से दिक्कत है, और ये जो कुछ हिंदू हैं उनको विदेशों से सहयोग मिल रहा है, मतलब कुछ हिंदुओं के ऊपर विदेशियों का प्रभाव है, विदेशी षड्यंत्र से वो काम कर रहे हैं और विदेशियों की नीति चला रहे हैं, और उन हिंदुओं को, यहाँ कुछ हिंदुओं को उन्हीं हिंदुओं से खतरा है। तो मतलब ये कैसा लतीफा है या हास्यास्पद क्या इन्होंने बयानबाजी की है, मुझे नहीं समझ आता। क्योंकि यदि यहाँ आप देखने में तो ऐसा लगता है कि यहाँ आप कह रहे हैं कि जन्म से हिंदू, हिंदू धर्म को आपको एक विशिष्ट विचारधारा मान रहे हैं जो कि इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से अलग है, हिंदू को आप जन्म से हिंदू मान रहे हैं, हिंदू व्यक्ति को आप जन्म से हिंदू मान रहे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है इस बात पर, ये कैसा रवैया है कि एक दिन जब आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या फिर किसी मंच पर जाएंगे तो वहां बयान देते हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, और जब आप अपने ही पत्रकारों को, ऑर्गेनाइजर और अपने ही मुखपत्रों को जब आप इंटरव्यू देते हैं, उनमें आप कहते हैं कि हिंदू वो है जो जन्म से हिंदू है, तो मतलब आपका जो मुखपत्र है वो कौन लोग पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है आपका मुखपत्र आपके कैडर्स पढ़ेंगे, बाहर के लोग तो बहुत ही कम कैडर आपका मुखपत्र। तो ठीक है, तो ये अपने कैडर्स को तो ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू जन्म से है, लेकिन जब ये बाहर आते हैं, जब एक ओपन मंच पर आते हैं, वहां ये कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो कहने का आशय ये है कि एक तरफ ये अपने कैडर को ही मूर्ख बना रहे हैं और उसको इस तरीके से भरमा के रख रहे हैं कि वो कहीं इनसे दूर ना हो जाए, दूसरी तरफ जब इनके पास मौका आता है कुछ काम करने का या एक ओपन मंच होता है,
कहता रहे कि आप घर के अंदर कुछ भी बात कर लीजिए, मैं व्यक्तिगत बातचीत में आपसे कोई भी बात कर लूँ उसका कोई अंतर नहीं पड़ता, जब तक मैं यहाँ आपके मंच पर आकर इस ओपन स्पेस पर आकर जो बात नहीं कहता हूँ। तो मतलब फॉर्मल मेरी जो भी बयान है वो वही माने जाएंगे जो मैं फॉर्मली आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो जब ये ओपन स्पेस में आते हैं तो बिल्कुल ही ऑपोजिट कुछ बात करते हैं, और जब ये अंदर खाने अपने ही लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं वहां ये बिल्कुल अलग बात करते हैं।